सच में बताते हैं कितने का मिलेगा? गौतम बुद्ध भगवान का स्टैचू। आज है होली और अभी हम लोग बस स्टैंड पे आए हुए हैं, तो पता चला है कि आज अभी बसेस जो हैं वो 3 बजे तक नहीं चलेंगी मसूरी के लिए। और जो बस का प्राइस है 80 रुपए है, बट जो कैब वाले हैं वो 400 रुपए पर पर्सन मांग रहे हैं। सो वी आर वेटिंग, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन। सो अभी हमारी गाड़ी यहाँ पर रोक दी है और बहुत मतलब बस चल नहीं रही थी। सब लोग मांग रहे थे कितने, 1510 रुपए। तो ये भाई साहब हमें सरदार जी मिले 1300 रुपए में। हम लोग जा रहे हैं मसूरी, बीच बीच में देखो रोक के भी जा रहे थे। मैं सिटी दिखाता हूँ, यहाँ से देहरादून पूरी सिटी दिख रही है प्रॉपर तरीके से। ये हमारी गाड़ी, हम लोग मसूरी पहुंच चुके हैं। 1.5 घंटा लगा है देहरादून से यहाँ तक। होटल भी हमें काफी सस्ते में मिल गया है, तकरीबन 750 के आसपास, तो थोड़ा नीचे जा रहे हैं। हेलो, तो हमारा होटल है वहां से, देखिए भाई साहब बुला रहे हैं। तो अभी ये देख सकते हो होटल बहुत ही सस्ता मिल गया है 750 रुपए में। 300 मीटर थोड़ा सा अंदर आना पड़ा है, बाकी होटल काफी शानदार है। तो मसूरी में हम लोग सबसे पहले लोकेशन पे आ चुके हैं, 1 वाटरफॉल। तो भी हम लोग इधर से वॉकिंग करके ही जा रहे हैं वाटरफॉल के पास। ऐसे हम लोग वहां पर नहा के आ रहे हैं दिस लोकेशन, और इधर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है एंड यू कैन एंजॉय द होल व्यू। मसूरी की पहाड़ियों से मैं स्टार्ट व्लॉग। डेस्टिनेशन जो है वो है संतुराम माता का भव्य दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा वॉकिंग करके जाना है। ये देखिए, तो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अभी हमको 10 मिनट ट्रैवल करना है, यानी कि ट्रैकिंग करके जाना है। थोड़ा सा ऊंचाई पे है वो, बोला 10 मिनट उसके हिसाब से। हाँ, तुम्हारा हिसाब से जड़ी बूटी भी दिखा दो।
15 मिनट ट्रैवल करने के बाद, 15 मिनट ट्रैकिंग करने के बाद अभी हम लोग माता जी टेम्पल आ चुके हैं। पीछे का भी बहुत ही शानदार जबरदस्त। तो अभी हम लोग यहाँ पे काली जी के दर्शन कर रहे हैं, अंदर माता जी के दर्शन थे, आदि शक्ति जगत चंडी के। तो अभी हम लोग दर्शन कर चुके हैं माता जी के, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एकदम पहाड़ की ऊंचाई पे, बहुत ही शांत इन्वायरमेंट और भीड़ भी बहुत कम है, तो इस तरह की चीजें काफी अच्छी लगती हैं। हाँ, इसके बाद थोड़ा कुछ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बुद्धिस्ट टेम्पल। एक्साइटेड बोलिए। यस 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 यस। कॉर्न ले लिया 50 रुपीज पर कॉर्न, मतलब मोस्टली चीजें 50 रुपए की मिल रही, बॉयल कॉर्न बट बहुत ही टेस्टी है, अच्छा है। ये यहाँ पे खाने पीने के आइटम भी है, ये 1995 से मिसिंग है। ऐसा बताते हैं कि चाइना वालों ने इनका किडनैपिंग कर लिया है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनके नए गुरु आए, इनको गुरु मानते हैं पंचेन लामा 11th। अभी हम लोग मसूरी में आ चुके हैं बौद्ध टेम्पल, और इस में मेरी याद को ताजा करता है जो भी मेरी लेह ट्रिप की यादें हैं, कि बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं स्तूपा वहां पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे हम लोग लेह लद्दाख में बहुत ज्यादा घुमाते थे, बहुत बड़े बड़े से होते थे, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया। मंदिर पे दर्शन करने के बाद अभी हम लोग दलाई हिल जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे ट्रैकिंग करके अगेन चलना पड़ रहा है। पंद्रह मिनट चढ़ने के बाद यही हमारी डेस्टिनेशन थी, गौतम बुद्ध भगवान का स्टैच्यू। बेबी पुराज इसको क्या करेंगे? थैंक यू। सच में खाते हैं? हाँ। कितने का मिलेगा? 20 का। नहीं, 10 रुपए ले लेते हैं। झूठ बोलते हैं, छोड़ एक फूल दो मुझे। नहीं, खाने से क्या होता है? खुश, इतना ही लूंगा, खाने से मरूंगा नहीं ना, अगर मर गया तो तुम्हें जेल होगी, समझ लेना तुम लोग, ठीक है ना? पुलिस आएगी। देखो हमने स्पेशल फूल ले लिया है, आगे को अपडेट नहीं मिलेगा मान के चलो, स्वर्ग धाम। यहाँ से हमें एक जड़ी बूटी मिल गई, एक फूल मिल गया, इसको मैं खाने जा रहा हूँ। सच में खट्टा लग रहा है। उट 50 रुपीज पर पर्सन की हमने बुकिंग करी थी, बेसिकली 3,350 रुपए मांगते हैं, बात करते करते हम लोगों ने 2400 में बात कर लिए, और 5 लोकेशन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं कंपनी गार्डन, अंग्रेजों के जमाने का गार्डन है, और इसको कितना डिफिकल्ट तरीके से बनाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। एक तो ब्यूटीफुल गार्डन, साथ में झूले, बहुत सारी चीज अवेलेबल है, बोटिंग वगैरह भी अवेलेबल है, 50 रुपए टिकट।
झूले के साथ साथ यहाँ पे देखो फूड कोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अभी देखो बोटिंग करने का भी व्यवस्था है बच्चों के लिए बेसिकली बट अच्छा है, पहाड़ों के बीच में बोटिंग करने का आनंद। रास्ते भी है यहाँ पे बढ़िया बनाया है, देखो गार्डन पहाड़ सो यू, यहाँ पे झरना भी है, काफी बेहतर तरीके से देखने को मिलने वाला है। आ चुके हम लोग मॉल रोड मसूरी में, इसीलिए शॉपिंग मॉल हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में। नहीं नैनीताल या मनाली, तो जस्ट पास में ही है, पहाड़ों के ही। आज हमारा डे टू है मसूरी की वादियों में।